हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लेसन नंबर 12 में मैंने आपको एमसीक्यू तक की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। अभी क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको समझाती जाऊंगी और आगे कराऊंगी। ये सोचिए और बताइए कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, पर वो उसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बेटा, अभी आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये मोहन को नौकरी का आश्वासन किसने दिया? मोहन को नौकरी का आश्वासन एक औरत ने दिया। जब वो नौकरी के लिए जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक औरत मिली जो सबको मतलब पानी पिला रही थी और मोहन को प्यास लगी थी और उसने पूछा, उसने कहा कि मैं भी पानी पीना चाहता हूँ। तभी तभी वो औरत ने उसे बताया कि मेरा पति है वो भी हाथियों की देखभाल का काम करता है, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो ऐसे मोहन को नौकरी का आश्वासन एक औरत ने दिया था। मोहन ने एक रुपये का क्या किया? मोहन ने एक रुपये के गाजर के बीज खरीदे और गाजर के बीज खरीद कर उसने जमीन की गुड़ाई की और मतलब सब कुछ जमीन को ठीक करके गाजर के बीज बो दिए। और जब गाजर अच्छी अच्छी ताज़ी गाजर निकली तब वो राजा के पास ले गया। राजा ने मोहन को अपना अंगरक्षक क्यों बनाया? मोहन पर राजा का विश्वास दिनों दिन बढ़ता गया, इसलिए राजा ने मोहन को अपना अंगरक्षक बनाया। मोहन इतना अच्छा काम करता था, रोज बरोज अच्छे और अच्छे ही काम करता रहता था। राजा का विश्वास इसलिए उसके ऊपर डे बाय डे दिनों दिन बहुत बढ़ता गया, तो उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लक्ष्य मतलब हमारा गोल होता है, हमारा जो एक निशान होता है कि हम जिंदगी में ये बनेंगे वो बनेंगे, तो वो हम ऐसे नहीं बन सकते हैं। हम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये शब्दों की दुनिया है। दिए गए शब्दों में उचित पर्यायवाची शब्दों पर सही का निशान लगाइए, मतलब उसका जो समान अर्थ वाला शब्द है उसी के ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तुच्छ मतलब छोटा सा गिफ्ट, तो छोटा सा यहीं पे निशान लगाएंगे। ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। अभी पहले समझ लेते हैं, भेंट मतलब सामान नहीं होता है, भेंट मतलब उपहार होता है, गिफ्ट। उम्मीद मतलब आशा, कोई भी काम करने के लिए हमें आशा होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कैसे मोहन को उम्मीद थी कि मुझे कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, वो होती है आशा। कठिन मतलब सरल नहीं, इजी नहीं, कठिन मतलब मुश्किल होता है, डिफिकल्ट। इज्जत मतलब कदर, कोई भी अच्छे काम करो तो कैसे हमें कदर की कि कोई भी हमें अच्छे काम करे लिए सराहेंगे, अच्छे काम के लिए अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे, तो हमारे काम की इज्जत करेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। कठिन से कठिन मतलब बहुत कठिन, तो उसी तरह ये हर शब्द में आपको ऐसे लिखते हैं। लाल लाल मतलब बहुत लाल, खूब ज़्यादा लाल। छोटी छोटी सी मतलब बहुत छोटी। अच्छी अच्छी तो बहुत अच्छी। तरह तरह बहुत तरह, डिफरेंट डिफरेंट मेनी टाइप्स। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी, कि हमें ये जल्दी जल्दी करना है मतलब बहुत जल्दी करना है, बिना किसी रुकावट के हमें ये करना है। चलिए बेटा, अभी आगे के पेज की एक्सरसाइज करते हैं। दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग करके अलग अलग करके लिखने हैं, मतलब ये जो वर्ण विच्छेद है, आप अगर ऐसे बोलेंगे
तुझ तो प्लस के साथ उ होता है, पर ये कोई भी मात्रा उसके साथ तो छुड़ती है, ये देखिए ये हाफ तो होता है, ये सर मतलब तो के नीचे हम ये से करते हैं तो भी उसके साथ ये उ की मात्रा आ की मात्रा सब जुड़ती है। तो आप इसे स्लो करके बोलोगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ण को विच्छेद करना है। तुझ तो तुम्हें आपको पता चलेगा तो प्लस उ प्लस चो तो हाफ ही है, इसलिए हमें उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्लस छो प्लस अ, हम छ भी हाफ करेंगे तभी उसके साथ अ की मात्रा जुड़ेगी। राजा र प्लस आ, राजा तभी आपको ये पता चलेगा कि र प्लस आ प्लस छ प्लस आ तब लिखते हैं तभी वो राजा होता है। ब प्लस ई बी, जब पीछे बी होती है तो बड़ी ई होती है, ब प्लस ई बी प्लस छ प्लस अ तभी होता है बीज। तो ये वर्ण विच्छेद है और आपको ऐसे लिखना है। तो चलिए अभी ये शब्दों की बात हो गई है, शब्दों की दुनिया हो गई है, अभी ये भाषा की बात है। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग करना है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन और फेमिनाइन से मैस्कुलाइन। बेटा अगर लड़का हो तो बेटा होता है और लड़की होती है तो बेटी होती है। उसी तरह ये लड़का, लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल, तो लड़का लड़की। राजा, जो जब पहले तो राजा से हुआ करती थी तो राजा होते थे वो सब संभालते थे, तो राजा रानी। हाथी हथिनी, जो मेल हाथी होता है, मेल एलिफेंट होता है वो होता है हाथी, और जो फीमेल एलिफेंट होता है मतलब हथिनी। माता पिता, मदर फादर, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं। धोबिन धोबी, धोबिन में आप देखिए आप ये छोटी वो आगे है, जब भी आप उसका मेल करेंगे मतलब मैस्कुलाइन वर्ड बनाएंगे तभी धोबी में भी पीछे आता है, और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो धोबी में भी पीछे होता है, और जब भी इसकी जो फेमिनाइन करेंगे तभी भी आगे आ जाएगा। बट अभी ये क्या है कि ये फेमिनाइन वर्ड दिया है इसलिए हमें इसका मैस्कुलाइन वर्ड करना है, पुलिंग बनाना है, तो हमें इसमें ब में पीछे ई लगाएंगे, महारानी महाराजा। जो लेडी क्वीन होती है वो महारानी होती है, और जो मेल मतलब के किंग होता है वो होता है महाराजा। मोर मतलब जो पिकॉक होता है, मेल पिकॉक होता है वो मोर और मोरनी, जो फीमेल पिकॉक होती है उसे मोरनी कहते हैं। ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, अभी पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। मैं ये की है, देखिए दोनों की है, ये छोटी की है ये बड़ी की है, पर जो छोटी की है वो दो वाक्यों को जोड़ती है कि इसने ये किया उसने वो किया, तो फिर इसमें छोटी की आती है, पर दो शब्द होता है जैसे कि मेहनत की थैली, तो दो शब्द तो उसमें बड़ी की आती है। उसी के आपको ये सिर्फ समझ लेना है कि जो छोटी की होती है मतलब क के साथ जब छोटी ई लगती है तभी ये दो वाक्यों को छोड़ता है, और क के साथ जब बड़ी ई लगती है तभी वो दो शब्द को छोड़ती है। ये मेहनत की कदर राजा अवश्य करेंगे, मेहनत और कदर, देखिए ये शब्द है इसलिए हमें यहाँ पे ये बड़ी की आएगी। मेहनत की कदर राजा अवश्य करेंगे, उसने सोचा कि, तो ये पूरा सेंटेंस है, ये भी पूरा सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये छोटी की आएगी। उसने सोचा कि मोहन मेहनती है, बीजों की थैली, ये एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, ये दोनों वर्ड को
जुड़ती है, ये बड़ी की है। बीजों की थैली लाओ। राजा समझ गए कि मोहन मेहनती है। राजा समझ गए वो भी पूरा वाक्य है और मोहन मेहनती है वो भी पूरा वाक्य है, इसलिए यहाँ पे छोटी की आएगी। और ये पूरी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखकर मुझे भेजनी है। कितने स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क, ये क्लास वर्क सब कंप्लीट करके नहीं भेजते हैं। आपको पता है कि आपको ऐसे मन में भी ये क्लास वर्क के सबके मार्क्स मिले थे, इसमें भी मिलने वाले हैं। सो ऐसे नहीं कि मैडम ने बुक मंगवाई है तब जाके सब चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके सब चैप्टर्स कंप्लीट करके मुझे भेज देंगे, ठीक है बेटा? अभी ये एक सोचिए और बताइए, सिर्फ हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आप मोहन की जगह होते तो राजा का विश्वास कैसे जीतते, मतलब मोहन की तरह ही जीतते कि इसने कैसे जीता थोड़ा थोड़ा करके। पर ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ये हम ये कोई अलग भी लिख सकते हैं कि मुझे नहीं जीतना राजा का विश्वास, ऐसे भी कर सकते हैं। सो वी हैव वी डोंट राइट इन टेक्स्ट बुक, ये नोटबुक में भी लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ समझ लेते हैं हम उसे। राजा द्वारा उपहार में दिए गए पैसे का आप क्या करते, मतलब कोई एक रुपये की चॉकलेट लेकर खा जाता है या एक रुपये की कोई ऐसी चीज़ लेता जिसे हम कोई गरीब को दे देता, कुछ भी वो कर सकता है, इसलिए ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो विल नॉट राइट इन द सी डब्ल्यू, सिर्फ ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछना चाहते हैं। यदि मोहन राजा के यहाँ काम न करता तो वो क्या करता, अपने घर वापस चला जाता या दूसरी कोई भी जगह पे नौकरी ढूंढता या कुछ भी करता, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ ये सिर्फ छोड़ के नहीं, हमने छोड़े नहीं है, सिर्फ हमने डिस्कस कर लेते हैं, कर लिए हैं, वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है बेटा? टेक केयर एंड बाय। एंड पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? टेक केयर एंड बाय।